الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله روحي او كما قال صلى الله عليه وسلم मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, नबियों के उम्र का महीना शुरू हो गया है और बहुत ही बहार और बहुत ही खुशगवार महीना है। क्योंकि इस महीने के साथ आपाए तो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की निस्बत हासिल है, इसलिए इस महीने की अहमियत है। ये अलग बात है कि उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और मुआरिखीन के दरमियान तारीख विलादत में इख्तलाफ जरूर है, लेकिन इस महीने में इख्तलाफ बहुत कम लोगों ने किया और इत्तेफाक के राय रबीउल अव्वल ही को राजिब करार दिया। तारीख के पैदाइश के सिलसिले में अवाम के दरमियान 12 रबीउल अव्वल मशहूर है, लेकिन सही यह है कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लामा मंसूर घोरी ने राजिब करार दिया है। और फिर आपकी पैदाइश नौशेरवा आदिल की तख्त नशीनी के 40वां साल था और इसी तरह से आमुल फील जिस वक्त अब्रहा बादशाह जो यमन पर था और बैतुल्लाह को टाने के लिए गिराने के लिए एक लश्कर जर्रार लेकर रवाना हुआ था, उसके 55 दिनों पहले 55 दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपकी विलादत बाशहादत मुबारका हुकूक पसी हुई। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई है उसी को मालूम है कि दुनिया कब से बनी है और फिर इसके आदम और आदमजात कब से आबाद हुए हैं, अल्लाह को बेहतरीन मालूम है। लेकिन जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और आपके जरिए से तवालुद और तनासुल का एक सिलसिला कायम हुआ और इंसानियत आबाद होनी शुरू हुई इस दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने एक जाब्ता और एक कानून हर जमाने में और हर दौर में बनाया था। वो जाब्ता और कानून ये था कि लोगों को इंसानों को इंसानी इंसानों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल करना और वो इंसान जो अल्लाह से ताल्लुक तोड़ चुका है, रिश्तेदारियां छोड़ चुका है, उस ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ने के लिए अपने बाप पाकीज़ा अंबिया अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाया
किताबों के साथ, फहरिस्त के साथ, लिस्ट के साथ, जिंदगी गुजारने के कवानीन और जाब्ते के साथ अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस करना शुरू किया। कुरान में इशारा मिलता है वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ने हिदायत के लिए रहमत भेजे, मुबल्लिग भेजे, वाइज भेजे, नसीहत करने वाले भेजे। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के लिए हादी और रहनुमाई करने वाले अंबिया के जात को अल्लाह ताला दुनिया में मबूस फरमाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस जिस नबी को नबूवत दी और जिस जिस रसूल को रिसालत अता फरमाई, इन रसूलों की नबूवत, इन नबियों की नबूवत और रसूलों की रिसालत और उनकी किताबें हिदायत एक जमाने तक के लिए खास थी, महदूद थी एक जमाने तक के लिए। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बाज़ाब्ता किताब दे दी थी, लेकिन छोटे छोटे शरीर के पंपलेट जिंदगी गुजारने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और फिर हजरत दाऊद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हजरात को अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता किताब अता फरमाई थी, कलाम अता फरमाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने ज़बूर अता किया, उसकी तालीमात, उसकी हिदायात, उसके परामीन पर अमल करने का जमाना तक मौजूद था। बस दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का जमाना यहाँ से यहाँ तक आगे खत्म। उन्होंने दुनिया में आने के बाद अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तारुफ करवाया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की शनाख्त करवाई और ये बतलाया, ऐ लोगों, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा मालिक अल्लाह है, तुम्हारा खालिक अल्लाह है, तुम्हारा राज़िक अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, जरूरियात को पूरी करने वाला अल्लाह है, मौत और हयात का करिश्मा दिखाने वाला अल्लाह है, जिंदगी में हालात लाने वाला अल्लाह है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बताया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 सालों तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समझाते रहे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम हवारीइन को समझाते और बतलाते रहे, लेकिन ये सब का सब समझाना बतलाना एक जमाने तक था, जब तक आप मौजूद रहे, आपकी शरीयत जिंदा रही, आपकी किताब जिंदा रही, उसके आकाम पर अमल करना जरूरी था। लेकिन आप जब चले गए, शरीयत भी खत्म और आपकी किताब भी खत्म और ऐसे ही आपके दिए गए आकाम भी खत्म, कोई भी नबी की नबूवत, कोई भी रसूल की रिसालत हमेशा और तमाम पजीर नहीं थे, बल्कि एक जमाने के लिए था। वो जब पूरे हो गए खत्म, उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी नबी इमामुल अंबिया, खातिमुन नबियीन व खातिमुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, ऐ लोगो, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम सब शहरों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अब तक जितनी भी इंसानियत आई है और कयामत तक आएगी, उन तमाम के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, उन तमाम कौम के लिए हमारी किताब पर अमल करना जरूरी है, हमारे अहकाम पर चलना जरूरी है। लिहाजा आपके
आपकी नबूवत, आपकी रिसालत हमेशा हमेशा और तमाम पजीर है, इस्तेमाल पजीर है, इस्तेमाल पजीर है। आप ही की किताब पर, आप ही की किताब पर दुनिया का खात्मा होगा, आप ही की रिसालत पर दुनिया का खात्मा होगा और आप ही की तालीमात पर दुनिया का खात्मा होगा। ला नबी या बादी, मेरे पास कोई नबी नहीं है। मेरी नबूवत का मेरी नबूवत का सूरज उस वक्त तक फुलू रहेगा जब तक की चांद के सूरज और सितारों की रोशनी बरकरार रहती है इस दुनिया में। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इस पहलू से अगर हम और आप अंदाजा लगाएं और सोचें तो फिर हमारा और आपका ये सर अल्लाह के आगे इंसान तले दब जाता है और झुक जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की नबूवत को जबान नहीं, जिस रसूल की रिसालत को जबान नहीं, जिस किताब को जबान नहीं, जिस शरीयत को जबान नहीं, आपने उस नबी की उम्मत बनाई है। ऐ अल्लाह तेरा बड़ा ही करम है, बड़ा शुक्र है। इतना बड़ा इंसान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे नबूवत और रिसालत की थकैया छोड़वा दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पैदा करना। इतने बड़े हम लोग अल्लाह ताला के शुक्र गुजार बनना चाहिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से फौत होने लगे तो हजरत आदम ने कहा अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कि बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े अल्लाह से मांग लेना, अगर फिर भी ना मिले तो नबी के मोहब्बत के वास्ते से मांग लेना, अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत के वास्ते से अता फरमाएगा। तो शीस अलैहिस्सलाम कहने लगे बाबा ये मोहम्मद कौन है, ये मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा आदम फरमाते हैं बेटा बात इतनी सी है, मैं जन्नत से आया हूँ, जन्नत से निकाला गया हूँ, लिहाजा बात इतनी है कि मैं जन्नत में हर हर दरख्त और उसके पत्तों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया है। और बात इतनी है बेटा अगर मोहम्मद ना होते तो हम भी ना होते, तुम भी ना होते, न ये चांद न सूरज न सितारे न सैयारे और न ये मखलूकात बसाई जाती और न ये आबादियां आबाद की जाती, न ये सारी चीजें वजूद में आती, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और उसका फैल है। जब तुम्हें दुनिया में कोई जरूरत पेश आए अल्लाह से मांग लेना, अगर ना मिले मोहम्मद का वास्ता देकर मांग लेना, अल्लाह अपने प्यारे लाडले रसूल के सदका में तुम्हें अता फरमाएगा। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है, हर हर ईमान वाले क्या नौजवान क्या बूढ़ा और क्या औरत क्या मर्द क्या बच्चे क्या जवान, ये इरादा और ये अर्ज मुसम्मत करना चाहिए इस महीने की बरकत से हम अपनी जिंदगी को वैसी जिंदगी बनाएंगे जैसी जिंदगी आए तो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु वसल्लम चाहते हैं और शरीयत तकाजा करती है, हम अपनी जिंदगी को उस जिंदगी के मुताबिक बनाएंगे। रबीउल अव्वल का पैगाम ये है अपनी जिंदगी को बदलने का और अपने अखलाक को अच्छे बनाने का, अपने किरदार को आला से आला बनाने का, अपने गुफ्तार को अपने अखलाक को अपनी तालीमात को अपनी तहजीब को अपने कल्चर को और अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए रबीउल अव्वल का महीना आता है और अपने दामन में ये पैगाम लेकर आता है कि उम्मत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस महीने से सबक ले और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर और अपनी नई जिंदगी का नया आगाज कर और
वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और गुलाम बनने की कोशिश कर। शैतान ने कैसी तरकीब पाई और तदबीर सुझाई? शैतान ने यह तदबीर बता दी, बस नबी के नाम पर जब अंडे जो है कमाली बजा लिया जाए और डीजे बजा लिया जाए, कुछ कमरे हिला ली जाए, बस यही है नबी के साथ इश्क और नबी की वजादत के साथ खुशी। आपको मालूम होना चाहिए अबू लहब जो अल्लाह के नबी के अपने चचा, अबू जहल अपना चचा नहीं है, वो चचेरा है, अबू लहब ये अपना चचा है। जब नबी पैदा हुए तो आपने अपने नबी की पैदाइश की खुशी में अपने उपाधि जो है सुहैबा को जो है आजाद किया और कहा मेरे घर में भतीजा पैदा हुआ है, इस खुशी के नाम पर हम अपने बांदी को आबाद करते हैं। ऐ मुसलमानों, तुम बांदी आजाद नहीं कर सकते हो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना तो हो सकता है कि कम से कम अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें। जो बेनमाजी है नमाजी बन जाए, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं दाढ़ी आ जाए, उसके लिबास उसके हुलिया उसके वजह पता शरीयत के मुताबिक बन जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बन जाए, ये भी नबी के साथ इश्क और उसकी पैदाइश की खुशी में शरीक होने के मुताबिक है और उसके बराबर। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, एक वो होता है जो कोई आलिम कोई फकीर कोई मुबल्लिग कोई वाइज नबी की शान बयान करे और नबी की मुबारक जिंदगी को बयान करे, और एक वो है जो अर्श पर खुदा अपनी नबी की शान बयान करे। आप किसकी जुबान से शान सुनना चाहते हैं? आप किसकी जुबान से नबी की सीरत सुनना चाहते हैं? हम आपकी अपनी जुबान में नहीं, आइए अल्लाह ताला की जुबान में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की शान कैसे बयान की है, अपने नबी के अजमत को कैसे बयान किया है, अपने नबी के रहमत को कैसे बयान किया है, अपने नबी की बुलंदियों को कैसे बयान किया है। अर्श पर खुदा बैठ कर अपने नबी की शान बयान करता है, और तेरे नाम को ऊंचा कर दिया है, बुलंद कर दिया है, अल्फा कर दिया है, आला कर दिया है, उससे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, ना दुनियावी एतबार से ना दीनी एतबार से। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती हीरा और सबसे कीमती जौहर जो था वो आमिना के दान और अब्दुल्लाह के खिलाफ बुला रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाति अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, शेर बनी हाशिम के अंदर, अरब अरबी जुबान है, अरब के माना सहरा बयाबा जंगल बेआबो किया वादी को अरब बोलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर इस्तेलाह में किया जाए तो अरब उस जजीरा नुमाए अरब को कहते हैं और वहां पर बसने वाले इंसानों को अरब बोलते हैं, उसी से नस्बत करते हुए अरबी लोग कहे जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश के लिए अरब को क्यों चुना, बोल के अरब को क्यों चुना? इसमें मुफस्सिर को मौलकीन ने अजीब अजीब बातें लिखी है। आपने लिखा है कि अरब ये हर एतबार से, जाहिरी एतबार से, बातनी एतबार से, बैरूनी एतबार से और दाखिली एतबार से अजब मकाम है, और जब से ये आबाद हुआ है तब से आजाद और मुख्तार खुद मुख्तार रहा है, दूसरे कौमों ने कभी भी अरब पर तसल्लुत इख्तियार नहीं किया, उस पर गलबा नहीं किया। चुनांचे अरब के अंदरूनी हालात को अगर आप देखेंगे तो ये 50 लाख से 70 लाख तक ये मुरब्बा मील में फैला हुआ है, और फिर ये अरब अंदरूनी एतबार से
सहारा संगला और रेगिस्तान बयाबा और जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से जंगलों से और रेगिस्तान से पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। फिर बाहरी बाहरी इतबार से अगर आप देखें तो अरब जो है बहरियात अहमर मुल्क शाम फिर जो है चीन और इसी तरह से मुल्क हिंदुस्तान के बाद हिस्से भी दाखिली एतबार से उससे जा मिलते हैं, इसलिए वहां पर किसी और दूसरे कौमों का गलबा हासिल करना और तसल्लुत इख्तियार करना ये किसी कौम की बस की बात नहीं थी। इसलिए जब से अरब वजूद में आया है अरब तीन तरह के लोग गुजरे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको हम आपके सामने बयान करने की आइंदा खुतबात और जुमे के अंदर ताकि हमारे इल्म में कुछ इजाफा हो सके। बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको अरब मुल्क का इंतखाब किया और आपकी पैदाइश के लिए चुना। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मेरी पैदाइश के लिए सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने अंबिया कहे जाते हैं, तकरीबन 4000 नबी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, कितने 4000 अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में चुना, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से बनो किनाना, फिर बनो किनाना से कुरैश और फिर कुरैश से बनो हाशिम को चुना और बनो हाशिम से मेरा इंतखाब किया। खानदान के एतबार से भी बड़ा हो और नसब के एतबार से भी बड़ा हो। अल्लाह ने आपको हसब नसब खानदान दुनिया में जो हो सकता है उनमें सबसे ज्यादा वजीर और सबसे ज्यादा पुरवकार और सबसे ज्यादा अहमियत वाला खानदान और नस्ल को चुना। फिर अल्लाह ताला ने आपको बनी हाशिम से पैदा फरमाया, बनी हाशिम आपके दादा हैं, जद्दे अमजद है और फिर अब्दुल मुत्तलिब ये जो है अब्दुल मुत्तलिब दादा है उनके वालिद बनू हाशिम है, फिर इसी तरह से बनो के दाना वगैरह। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने आपको 9 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी और हिंदुस्तानी तारीख के हिसाब से यकुन 628 विक्रमी और फिर अरबी अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 21 अप्रैल 571 ईस्वी को शेबे बनी हाशिम के अंदर आपको पैदा करवाया और आपकी पैदाइश से अल्लाह ताला ने उस साल जितने बाओं को अल्लाह ने औलाद दिए सब के सब बेटा अता फरमाया। आप जिस वक्त पैदा हुए हजरत आमना का बयान था जिसको इब्ने इसहाक और दूसरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आमना का बयान है कि मेरे सामने शाम के पहलाद नजर आए और हमने उर्दुन और इसी तरह के वहां के ऊंट के पहलवान को देखे और मेरे सामने अल्लाह ताला ने मुल्क शाम उर्दुन और इसी तरह से जो है दिगर अजायबात को दिखलाए। आप जब पैदा हुए पूरे घर खुशबूदार हो गए, आप जब पैदा हुए दरिया की मछलियों ने दूसरे दरिया दूसरे समुद्र में जाकर मुहम्मद के एक वाला आ गया और नबी रहमत आ गया जो यतीमों का सहारा बेवाओं का बावा और कमजोरों का बलजा और गुमराहों का राहबर और तारिकियों के भटकने वालों के लिए रोशनी और जलालत में जिंदगी गुजारने वालों के लिए दूरे हिदायत, औरतों के लिए सहारा और माँ बाप के लिए सहारा और एक अजीब रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। एक समुंदर की मछलियों ने दूसरे समुंदर में गई और वहां मुबारकबाद दी कि नबी रहमत आ गए। फरिश्तों में धूप और आग है, खुशियां है, चराना है और जो है खुश
खुशियां मना रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब से अदब से दुनिया को बनाई है उस वक्त से लेकर आज तक इस हस्ती का इंतजार था और इस नबी रहमत का इंतजार था अल्लाह ताला 9 अप्रैल और 21 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह के 4:45 पर शेख बनी हाशिम के अंदर पैदा फरमा दिया। आप पैदा हो रहे हैं यतीम है एक कौल के मुताबिक और बाद मौलवी ने लिखा है कि आप पैदा हो गए तो बाप का इंतकाल हुआ था, लेकिन सही कौल यही है कि आपकी पैदाइश से 6 महीना 10 दिन पहले ही अब्दुल्ला जो है कुर्द शाम जाते हुए तिजारत के लिए वापसी जब हुई है मदीना में तो मदीना में बुखार आने से इंतकाल हो गया। जान ना बताए जाने में उनकी तदफीर हुई। आप इधर यतीम पैदा हो रहे हैं और इधर दुनिया में और कायनात में तब्दीलियां इस तरह से आ रही है। ये वो रुकयात है जिनको बड़े बड़े मौलवीन ने लिखा है और तो लिखने में बहुत सालों ने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन वो मजबूत कौन है वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। उसके अंदर कि आप इधर यतीम पैदा हो जो अपने नसीब वगैरह ने लिखा है और इधर बुहैरा जो बहुत बड़ा एक रालिम था वो आइंदा इंशाअल्लाह। सावा ये बड़ी दहरे थी वो अचानक खुश्क हो गई और इधर ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, उस आग की परस्तिश और पूजा होती थी। 1000 साल से 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से के बराबर में भी आग नहीं बुझी थी। 1000 साल से वो आग जल रही थी। इधर आप पैदा हुए वो आग अचानक बुझ गई। इधर आप यतीम पैदा हो रहे हैं मक्के में बड़े बड़े पुत जो है जमीन पर गिर रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं हमारे बाबू को क्या हो गया, हमारे खुदा को आज क्या हो गया जो इस कदर जमीन पर गिर रहे हैं। इधर आप यतीम पैदा हो रहे हैं और कायनात की ये तब्दीलियां आ रही है। चुनाचे इब्न कसीर ने लिखा है रहमतुल लिल आलमीन के अंदर उस जमाने में नौशेरवा ने अपने एक बड़े आदमी को भेजा कि जाओ देखो दुनिया के अंदर कोई अजब करिश्मा तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से हमारे जो है ये जो है आतिश कदा बुझ गए और ये 14 अंगूरे बड़े बड़े जो बोझ थे गिर गए टूट गए, क्या बात है। तो उस जमाने में उसने कहा कि मुल्क शाम में हमारा एक मामू रहता है वो बहुत बड़ा आलिम है और वो मुस्तकबिल और फ्यूचर की खबरें देता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे मालूम करूं कि दुनिया के अंदर क्या तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये सब जो है तब्दीलियां पैदा हो रही है। लिहाजा वो सवार हुआ और सवार होने के बाद वो जैसे ही पहुंचता है उसका नाम सतीह लिखा है इब्न कसीर ने, सतीह बहुत बड़ा आलिम नसरानी इतना बड़ा और इतना अजीबोगरीब कि अगर उसको मोड़ दिया जाए और मोड़ कर लकड़ी और कठरी बना दिया जाए तो एक बच्चा उठा ले, इतना कमजोर नहीं नाकवा सालों से ज्यादा उम्र रखने वाला बरसों से। तो उसने जैसे ही घोड़े बांधे और अंदर गए तो उसने कहा अच्छा तुम क्यों आए हो मुझे मालूम है, तुम क्यों आए हो मुझे मालूम है, तुम इसलिए आए हो कि तुम पता लगा सको कि आतिश कदे क्यों बुझ गए और फिर 14 अंगूरे क्यों टूट गए और सारा बहेरा ये नहरे क्यों खुश्क हो गई। जाओ जाओ अपने बादशाह को बता दो कि वो नबी आ गए और वो नबी अरब के रेगिस्तान में पैदा हो गए और उस नबी का नाम वहां तक पहुंचेगा और उस रसूल की रिसालत वहां तक पहुंचेगी जहां तक कि दुनिया के सूरज चांद सितारों की रोशनी पहुंचेगी। जाओ अब कहो बादशाहों का जमाना खत्म और शाहाने अजब का जमाना खत्म, अब जो है एक नबी की नबूवत और एक रसूल की रिसालत चलेगी, वो नबी अरब के सहारा और बयाबा में शेख बनी हाशिम के अंदर पैदा हो चुका है और तुम्हारे लिए हलाकत हो ये मनसब बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो गया है। लिहाजा उस
उस नबी का चर्चा और उस नबी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। वो नबी दुनिया में पैदा हो चुके हैं। लिहाजा ये जवाब लेकर गए हैं। अल्लामा इब्ने कसीर ने और बहुत सारी बातें लिखी है। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो आइंदा अल्लाह भी आपको अमल की तौफीक दे। अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उनकी तर्ज जिंदगी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।